इंदौर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल झारखंड लौट आया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि जो लोग भी राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुए हैं, नई ऊर्जा के साथ झारखंड लौटे हैं। झारखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा को गाँव गाँव पंचायत पंचायत पहुँचाना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी राहुल गांधी के चेहरे पे थकान नहीं है। राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल से मुलाकात की। झारखंड में जन जन तक भारत जोड़ो यात्रा को पहुँचाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर रांची लौटे कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्य में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। झारखंड में ईडी के बाद सीबीआई की एंट्री पे मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि चाहे किसी भी राज्य में किसी की सरकार हो, वहां भाजपा अपना दबदबा चाहती है। जमशेदपुर में मिशन मोदी अगेन पीएम नामक संस्था ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पे कानूनी कार्रवाई की मांग की। दरअसल खड़गे ने पीएम मोदी पे आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद संस्था ने भारत सरकार से खड़गे पे कानूनी कार्रवाई की मांग की है। संस्था ने उपायुक्त के माध्यम से भारत सरकार को एक पत्र भी लिखा है। दिसंबर का महीना और गुलाबी सर्द, ये मौसम पिकनिक का भी कहलाता है। ऐसे में इंसान तो इंसान, जानवर भी भ्रमण के मूड में आ गए। ऐसी तस्वीर सरायकेला में नजर आई, जहां चांडिल डैम में नौका विहार के परिसर में अब जंगली हाथी पहुंचा। अचानक गजराज के पहुंचने से कई सैलानी डर गए और वे भागने लगे। वहीं इन्हीं के बीच से कई लोगों ने हाथी को साथी बनाते हुए फोटो और सेल्फी भी ली। झारखंड जिला अंतर्गत निरसा के जामदेही के समीप छापेमारी के दौरान खनन विभाग ने भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है। छापेमारी के दौरान करीब 110 टन कोयला की बरामदगी का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जामदेही स्थित माकाली कोल ट्रेडिंग नामक कोल डिपो से रोजाना रात के अंधेरे में लगभग 10 से 15 ट्रक कोयला खपाया जा रहा है। इस बात का खुलासा डीएमओ मिहिर सलकर ने किया है। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल स्टेशन अंतर्गत प्रधान खानता रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने गुरुवार की सुबह बड़का काना आसनसोल मेमू को रोक दिया, जिसके बाद धनबाद हावड़ा ट्रेल खंड पे कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसनसोल वाराणसी पैसेंजर को रेलवे ने कोडरमा में NI कार्य की वजह से परिचालन रद्द कर दिया, जिससे प्रधान खानता के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दुमका इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव प्रधान खानता स्टेशन पे किया जाए, जिससे उन्हें परेशानियों से निजात मिल सके। रेल रोके जाने की सूचना मिलने पे धनबाद रेल मंडल के वरीय पदाधिकारी परिचालन को सामान्य करने के प्रयास में जुट गए। विश्व एड्स दिवस के मौके पर धनबाद जिला स्वास्थ्य समिति के बैनर तले गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा समेत सदर अस्पताल से जुड़े कई चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी और सहाया सम्मिलित हुए। रैली के माध्यम से लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि एड्स से बचाव ही इलाज है। साथ ही उन्होंने कहा कि हालिया आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हजारीबाग स्थित विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक 26वां अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव झूमर 2022 का आयोजन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकुल देव ने बताया कि 2 सालों के इंतजार के बाद ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें अभी तक लगभग 17 कॉलेजों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और लगभग 500 खिलाड़ी इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं। पाकुड़ में विश्व एड्स वर्ल्ड डे के मौके पे लोगों को जागरूक किया गया। HIV संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारियों को लेकर जागरूकता को बढ़ावा देना है। रैली के माध्यम से लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि एड्स से बचाव ही इलाज है। अगर ये बीमारी एक बार किसी को हो गई तो आजीवन इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता है।